So, देखिए इसका एजेंडा, क्योंकि अभी पूरी प्रेजेंटेशन चेंज नहीं हुई है, उसके ऑलमोस्ट 50% से 60% प्रेजेंटेशन को चेंज कर पाया हूँ मैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, इसमें सबसे पहले हम वाई वेलनेस, क्योंकि जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहता है, या वो हमारा गेस्ट हो, या हमारा ब्रांड पार्टनर हो, या हमारे साथ में काम करने वाले लीडर्स हो, हम सभी अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड है वेलनेस के, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। क्यों वेलनेस को बिजनेस स्टार्ट करें लोग, क्यों इस वेलनेस कैटेगरी में काम करें, क्यों उनके लिए सप्लीमेंट जरूरी है, ये सारी क्लैरिटी आपको देनी जरूरी है। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार भी आपके लिए डिजाइन किए मैंने। नंबर टू है बिजनेस साइड ऑफ वेलनेस। तो हम सॉरी बिजनेस साइड ऑफ वेलनेस, तो हम ये भी आज समझेंगे कि बिजनेस साइड ऑफ वेलनेस क्या है और कैसे हम इस बिजनेस को अपने ग्रो कर सकते हैं। आपसे ऑलरेडी ये टॉपिक पे काफी समय से बात होती आ रही है कि बिजनेस जब भी हम शेयर करते हैं तो यूएसपी ऑफ वेलनेस बिजनेस क्या है, यानी कि हमारी खासियत क्या है वेलनेस बिजनेस की, और किस तरीके से हम इसे इसके थ्रू अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं इस बिजनेस में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लर्न एंड फॉलो सिस्टम, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को काम करने का तरीका पता होना चाहिए। तो वो तरीका क्या है, वो सिस्टम क्या है, यू विल बी एबल टू नो अबाउट ऑल दैट सिस्टम हियर इन दिस वेबिनार। सो इट विल बी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इट विल बी अ न्यू वेबिनार एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो व्हाई वेलनेस, व्हाई टू चूज कैटेगरी ऑफ वेलनेस? देखिए सबसे पहली बात, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट टॉक्स अबाउट नीड्स, एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू अबाउट नीड्स एंड वॉन्ट्स। सो विदाउट नेसेसिटी वी कैन नॉट लिव आर लाइफ, एंड फॉर लिविंग अ हेल्दी लाइफ द फर्स्ट नेसेसिटी इज हेल्दी लाइफ स्टाइल, एंड फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल वेलनेस इज द कैटेगरी विच टॉक्स अबाउट इट, विच गिव यू प्रोग्राम न्यूट्रिशनल नॉलेज एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट एज वेल बाई वेलनेस बाई ओरिफ्लेम। सो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ये मैसेज पहुंचा पाए। दूसरा, लोगों के मन में सवाल आता है वाई सप्लीमेंट्स? अगर मैं वेलनेस कैटेगरी में आपके प्रोडक्ट खरीदूं, बिकॉज इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, देन आपके सामने पहला सवाल आने वाला है कि वाई सप्लीमेंट्स? वेलनेस कैटेगरी में है तो एक्सरसाइज रूटीन करा दीजिए, डांस क्लास करा दीजिए, जुम्बा करा दीजिए, या कोई आप फिटनेस का क्लब बना लीजिए, उसके थ्रू उसको प्रमोट कीजिए, गिव योर सर्विसेज एंड गेट द मनी इन योर पॉकेट। व्हाई यू आर सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स, हाउ इट इज बेनिफिशियल टू अस? फॉर दैट आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से अटेंड करना होगा, जो हर सोमवार को, हर मंडे को होती है। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई these products are important. For that, you need to attend Monday training program of product, so that you will be able to have the proper knowledge. But अगर मैं glimpse या एक bullet point में बात करूँ, तो it is prevent deficiency conditions. As per Indian Council of Medical Research and researchers of World Health Organization says, then Indian का जो energy level है, that's only 36%. इट मीन्स हमारी न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है दैट वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट आर न्यूट्रिशन। ऑलमोस्ट 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। सो दैट्स व्हाई टू प्रिवेंट योर डेफिशिएंसी कंडीशन, इट इज वे गुड आइडिया टू हैव सप्लीमेंट्स इन योर लाइफ। सो व्हाई सप्लीमेंट्स? दिस इज द रीजन। सो एक्चुअली व्हाट आर फूड सप्लीमेंट्स? People will also ask you this question. So if people will ask you why food supplements, what are food supplements? So food supplements are the product. ये वो पदार्थ होते हैं जो आपके मुंह से आप अपने शरीर में लेते हैं, जहां पर आपको कोई भी ऐसा पाचक तत्व मिलता है जो आपको पोषण दे सके। Anything which you can digest and give you nutrition is called nutritional supplement. And this definition is given by Food and Drug Administration that food supplement is a part of product taken by mouth that contains dietary ingredient. It includes vitamin, mineral, amino acid, herbs, biotechnical, as well as other substances that can be used to supplement your diet. So there are many reasons to it also. Why we need supplement, why there is a concept of supplement came in market, why companies are selling it. The reason behind that is that how is our quality of our food? That is why there was an invention and there was a discovery behind giving people a food supplement. Not from me. Nowadays, it is from ancient times. But now people are more towards it because
पीपल नो, लोग जानते हैं कि अब हमें, पहले तो क्या होता था, लोगों को इसको एक जड़ी की तरह, जड़ी बूटी की तरह इस्तेमाल करते थे, पर अब लोगों को पता है कि अगर शरीर में पोषण की कमी को पूरा करना है तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाएं। और अब खुद ही पूछ लीजिए ये सवाल जो आपके सामने है, जहाँ जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कितना खाना जो है वो फ्रेश है आपके लिए, प्रोसेस्ड कितना खाते हैं, कीटनाशक और केमिकल का इस्तेमाल कितना हुआ हुआ है इस पे, आप कुक किस तरीके से करते हैं, आप बॉयल करके खाते हैं या तला या डीप फ्राई खाते हैं, फाइबर कितना होता है आपके कंटेंट में, जो भी आप खाना पोषण खाते हैं, फल सब्जियां आहार खाते हैं पूरे दिन में, एंड पोषण कितना होता है उसमें। सो दीज क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड टू द पीपल व्हेन दे आस्क यू व्हाई सप्लीमेंट्स, बिकॉज द राइट आंसर इज दैट वी एज ह्यूमन don't consider our diet as a very integral part of healthy lifestyle. We eat just to complete our hunger pangs. We do not eat, actually this is the reality, we do not eat to complete our nutrition. So hame apne poshan ko pura karne ke liye khana khana hai, na ke sirf bhook ko mitane ke liye. And that's what is very much important because यही चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर मैं भूख को मिटाने की बात करूं तो हम खाना तो कुछ भी खा लेते हैं और उसको भूख को मिटा सकते हैं, पर अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो 5 से 9 सर्विंग आपके कम से कम फ्रूट और वेजिटेबल को आपको पूरे दिन में खानी चाहिए। 6 to 10 सर्विंग्स यू नीड टू हैव होल ग्रेन रिच फाइबर डाइट। प्रोटीन रिच फूड आपको कम से कम 1.5 हथेली आपके खाना ही चाहिए। 1.5 palm फुल प्रोटीन डाइट नीड टू बी टेकन इन होल डे। 3 to 5 सर्विंग्स कैल्शियम यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स, इनका इस्तेमाल आपको अपनी जिंदगी में करना ही चाहिए। सो सारी रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिशन की आती है वो पुअर न्यूट्रिशन इनटेक की वजह से आती है। अगर हम इस पिरामिड को ध्यान से देखें, so as per this pyramid, are we able to take the diet in the same form as it is mentioned? If you see the depth is always filled with fruits and vegetable diet which you need to take maximum in your life. Agar hum sabse niche dekhein to sabse zyada hame phal aur sabziyan khane chahiye, uske baad hamare fiber food ko zyada tar khana chahiye jisme fiber acha ho, uske baad dairy products aur somewhat somewhere अगर हम बात करें मीट प्रोडक्ट्स, और फिर जाकर हमें कहीं अपनी टेस्ट या क्रेविंग्स को मिटाने पर फोकस करना चाहिए। पर सबसे जरूरी है कि हम ये समझ पाए कि ये न्यूट्रिशनल इनटेक की डेफिशिएंसी है, कमी है, इस गैप को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को लेना जरूरी है। एंड लास्ट रीजन इज चॉइस ऑफ डाइट। हम चॉइस ऑफ डाइट की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम ज्यादातर वो खाना खाते हैं जो कभी हमें रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि हमें वो टेस्ट मिलता है, उस टेस्ट और क्रेविंग को मिटाने के लिए वी कॉम्प्रोमाइज विद आवर न्यूट्रिशन, और वो हम कॉम्प्रोमाइज उस लजीज खाने को देख के करने को तुरंत तैयार हो जाते हैं, और हम वो खाना कभी नहीं खाते हैं जो एक्चुअली हमें रिकमेंडेड है, जो हमें खाना चाहिए। हम वही खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, और वो कभी किसी ने बताया नहीं कि खाना है, बट उसमें टेस्ट है, क्रेविंग है, आपका ध्यान हमेशा अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होता है। सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अट्रैक्टिव एंड फूड विच इज एक्चुअली कंप्लीटिंग योर टेस्ट हंगर इज नॉट राइट फॉर यू। सो ऑलवेज ईट फूड विच इज रिकमेंडेड फॉर योर ग्रेटर हेल्दी लाइफ स्टाइल, रादर ओनली फोकसिंग ऑन फूड विच गिव्स यू टेस्ट और क्रेविंग और विच फुलफिल्स योर क्रेविंग, राइट? So why nutritional supplements? Summary is very much clear. सारांश में अगर बात करें तो nutritional supplements क्यों लेने चाहिए, बिल्कुल clear है। Nutritional gap को आपकी body में पूरा करता है, आपकी body में energy को throughout day बढ़ाने की कोशिश करता है, आपकी रोगों से लड़ने की ताकत immunity power को बढ़ाता है, and last but not least is prevent lifestyle deficiency conditions, जैसे कि साथ साथ आपकी oxidation यानी प्रदूषण के प्रभाव को, जिससे आपकी skin या फिर आपकी inner health बहुत harm हो रही है, उसको बचाने में और टॉक्सिन्स यानी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। दैट्स हाउ आपकी बॉडी में एक ब्रिज का गैप पूरा करने में मदद करते हैं ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, एक
ब्रिज की तरह काम करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड कि हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किस तरीके से करें, राइट? सो ब्रिजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट्स कोई मेडिकल दवाइयां नहीं है, दीज आर नॉट मेडिकल प्रोडक्ट्स, एंड ये कोई बीमारी का इलाज करने के लिए भी नहीं बनाए गए, एंड इट इज नॉट इवन इंटेंडेड टू ट्रीट डिजीजेस। इट इज रिकमेंडेड यू टू फुलफिल द गैप विच यू हैव इन योर न्यूट्रिशनल डाइट, राइट? सो सप्लीमेंट्स कैन नॉट रिप्लेस फूड, ये भी एक सच्चाई है, तो इस सच्चाई से हमेशा वाकिफ रहिएगा और ध्यान रखिएगा। हेल्दी प्रोटीन डाइट, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और लिमिट सॉल्ट, ये जब तक हम करते रहेंगे अपने स्टैंडर्ड्स में, हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाते रहेंगे। किन बातों पर हमें फोकस करना चाहिए? देखिए, वेलनेस बाय ओरिफ्लेम जो भी आपको प्रोडक्ट हम आज रिकमेंड करते हैं, ये हमारे हाई यूरोपियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है। वी डू नॉट बिलीव इन मेगा डोजिंग। मेगा डोजिंग में कुछ आपको इमेजेस यहाँ नहीं दिखेंगी बिकॉज ये अंडर प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड्स है, सो जस्ट एक इमेज रह जाएगी, बट आई वॉन्ट टू प्रेजेंट इट फॉर द फर्स्ट टाइम सो दैट आप इसको समझ पाए। सो दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम ये सब चीजें अपने लाइफस्टाइल में अपनाएं अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाएं। ऑफर डेली सप्लीमेंट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स दैट सपोर्ट हेल्दी स्किन एंड ओवरऑल हेल्थ, और यही हमारा मोटिव है और यही हम प्रमोट करते हैं। तो हमारे जो नित्य भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 6 कैटेगरीज हम पहले भी आपको बताते आए, आज भी बता रहे हैं कि जब आप इन प्रोडक्ट को बेचें तो अपना टारगेट ग्रुप, अपना टारगेट कस्टमर आपके दिमाग में होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बीमार लोगों को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं या जिनको कुछ कमी है शरीर में उनको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, और उनके बड़े ही तीखे और कड़वे सवाल आते हैं जिनका जवाब इनके पास होता नहीं, और वो अगर हमसे पूछते तो हमारा जवाब होता है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह से ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर सकते। तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं मेहनत भी कर रही हूँ और मैं बता भी रही हूँ और उसके बाद मेरा वेलनेस बिजनेस नहीं बढ़ रहा है और लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका टारगेट ग्रुप कस्टमर है कौन, जिसको आपको अप्रोच करना है, जिसको आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हेल्दी लाइफस्टाइल अभी तक जी रहा है या जीने की कोशिश कर रहा है, जो बीमार नहीं है, पीपल हु आर नॉट इल, नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी क्रॉनिक कंडीशन और डिजीजेस, यू कैन रिकमेंड दीज प्रोडक्ट्स टू देम। एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ग्रुप होम यू कैन अप्रोच, whom you can sell these products, and this is very very important. So number one is anyone who is feeling weak or tired. Why? Because Nutrishake give them energy. Swedish Beauty Complex Plus, extract xanthan and bilberry extracts give them right skin benefits and immunity, and our omega 3 capsules will give them metabolism, great nervous system, great heart health, and today is heart health day, world heart health day. So it is very much important to take care of your own health and try and increase the daily dose of omega 3. 2 capsules a day zarur lein, zarur lein. Water intake ko acha rakhe, 3-4 liter pani zarur pijiye din mein. So these things are very much important. When you go to happy family, my happy family will ask you why you are recommending these products to me, we are happy and we don't need these products. Tell them aapko sabse zyada zarurat hai kyunki aap apni security ke liye life insurance, health insurance policy to le lete hain, but you never think of assuring health in your lifestyle. Aap wo sirf bimari ka kharcha bacha rahe hain, bimari se nahi bach rahe hain. अगर बीमारी से बचना है और अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है जिससे मैं बीमार जल्दी पड़ो ही ना, अपनी संभावनाओं को बढ़ाना है हेल्दी लाइफस्टाइल के, तो बेटर है कि आज से ही हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का सहारा लेना शुरू कीजिए हमारे, और हमारे वेलनेस रूटीन का पार्ट बन जाइए। स्लिम और फैट व्यक्ति के लिए भी हमारे प्रोडक्ट बहुत ही कामगर है क्योंकि सबसे ज्यादा इनको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, पोषण की जरूरत होगी जब ये अपने वर्कआउट रूटीन में या डाइट रूटीन में चेंजेस करेंगे, अपने वर्कआउट को बढ़ाएंगे, डाइट को कम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो किसी भी मोटे व्यक्ति को न्यूट्रिशन पूरा चाहिए, पोषण पूरा चाहिए, एनर्जी पूरी चाहिए। हमारा न्यूट्रिशेक, ओमेगा 3 और स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस इनकी मदद करेगा। सिमिलरली किसी पतले व्यक्ति को अगर मोटा होना है, अगर वो अपनी डाइट में इंक्रीज कर रहा है और वर्कआउट भी कर रहा है साथ में, सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि उनको
सही प्रोटीन मिले, उनके हंगर पैंग्स को कंट्रोल करने के साथ साथ हंगर पैंग्स को बढ़ाने के लिए उनको सही तौर पर अपनी न्यूट्रिशन बढ़ानी होगी। तो न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए वो न्यूट्री शेक में स्मूदीज बना सकते हैं, शेक्स बना सकते हैं, राइट। ओमेगा थ्री उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा ताकि उनको खाना भी एब्जॉर्ब अच्छे से हो, एंड साथ साथ स्वीडिश हमारा एक्सट्रैक्ट जिंथिन बिलबेरी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स जो है उनकी स्किन बेनिफिट और इम्यूनिटी को गिरने नहीं देंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। तो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्किंग व्यक्ति अगर अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करना शुरू कर दे तो अपना और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है अपने जॉब या अपने ऑफिस में। सो वी कैन रिकमेंड दीज प्रोडक्ट्स टू देम। एवरी होम मेकर इज अ मल्टी टास्कर, आप अपने घर में बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, और अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया तो फिर पूरी फैमिली का ध्यान आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं, आपकी पूरी फैमिली हेल्दी होगी आपके थ्रू। तो मैं तो यही कहूंगा कि हर एक महिला को, हर एक फीमेल को जो हमारे साथ बिजनेस करती हैं या आप हमारे कस्टमर हैं कॉस्मेटिक्स के, कलर के, आपको वेलनेस जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वेलनेस आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फिटनेस पे बहुत ध्यान देता है या फिटनेस पे बहुत ज्यादा उसका फोकस है, ऐसे व्यक्ति को हमारे प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि उनको जब ये हमारे स्वीडिश साइंटिस्ट टीम से रिसर्च प्रोडक्ट, प्रूवन प्रोडक्ट मिलेंगे तो उनके बेनिफिट ना सिर्फ उनको महसूस होंगे बल्कि जब ये पब्लिक के लिए वो शेयर करेंगे तो उनसे उनका बिजनेस भी बहुत बढ़ सकता है, कल को जाकर आपके पास रेफरेंस बहुत आ सकते हैं उनके थ्रू, राइट। तो इट्स इन स्मार्ट वर्क कि आप इन लोगों को अप्रोच करें। सो दैट्स ऑल, एंड बस कंक्लूजन यही है कि आप वेलनेस बाय ओरिफ्लेम के जो हेल्दी सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताए उनको आप प्रमोट कीजिए, रिकमेंड कीजिए लोगों को। अब आ जाते हैं बिजनेस साइड ऑफ वेलनेस को समझने में। तो अभी तक तो मैंने बात करी कि वाई सप्लीमेंट्स, वाई न्यूट्रिशन, वाई वेलनेस बाय ओरिफ्लेम। अब जरा बिजनेस साइड ऑफ वेलनेस में अगर समझे हैं तो वाई वेलनेस बाय ओरिफ्लेम एंड वाई दिस बिजनेस विल गिव यू ग्रेट अचीवमेंट्स इन सक्सेस, इसको समझेंगे। अब इस कैटेगरी को, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे, पर उसको समझने के लिए पहले आपको वेलनेस एकेडमी के पूरे स्टाइल को समझना होगा। देखिए, मैं जो नई ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, वेलनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का नाम चेंज करके मैं बिजनेस साइड ऑफ वेलनेस करने जा रहा हूँ। तो जो मैंने नई प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था उसका ये फर्स्ट स्लाइड ही है जो आप देख रहे हैं। अभी तक वेलनेस एकेडमी इंडिया में आपको किस तरीके से मिल रही है, आपको ये सारी चीजें हमारी तरफ से मिल रही हैं। अगर आप सबसे नीचे देखें तो गेस्ट के लिए और ब्रांड पार्टनर्स दोनों के लिए, अगर आप नए हैं या पुराने हैं, आपके लिए मंडे की वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन पे ध्यान जरूर दीजिए। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना है ताकि आप लोगों का व्हाट एंड व्हाई क्लियर कर सकें, व्हाई वी नीड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मैं वेलनेस बाय ओरिफ्लेम क्यों फॉलो करूं, इनके सारे जो डीप डाइव आंसर है ना वो आपको इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर जरूर मिलते हैं। तो आप उसे जरूर अटेंड करिए। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको आनी ही चाहिए। फिर उसके बाद आता है सिर्फ ब्रांड पार्टनर्स के लिए। अगर आप बिजनेस करने में फिर आगे बढ़ जाते हैं और आप बिजनेस की तरफ करते हैं फोकस, तो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग रेगुलरली लेते रहना है, अपने लोगों को अटेंड कराते रहना है, और बिजनेस साइड ऑफ वेलनेस यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार जो हर बुधवार को होगा उसे भी अटेंड कराते रहना है। यानी कि अगर देखा जाए तो गेस्ट हो या ब्रांड पार्टनर हो, दोनों के लिए ही वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग मंडे की, और वेलनेस डाइट प्लान। अगर बिजनेस पार्टनर बनने में गेस्ट आपका इंटरेस्टेड है तो आप उसे वेंसडे की ट्रेनिंग में लाएंगे, नहीं तो मंडे एंड फ्राइडे की जो दो ट्रेनिंग्स हैं ये आपके किसी भी गेस्ट के लिए और ब्रांड पार्टनर के लिए, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों सेशन बहुत ज़रूरी हैं। पर जब मैं बात करता हूँ बिजनेस की यानी कि बिजनेस साइड ऑफ वेलनेस की, वो एक ऐसी ट्रेनिंग है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड पार्टनर को ही लेनी चाहिए। ओके, गेस्ट और ब्रांड पार्टनर्स वेलनेस वेंसडे वर्कआउट। ये देखिए, आज सुबह 8 से 9 मैंने वेलनेस वेंसडे वर्कआउट कराया, हार्ड डे था तो स्पेशल कुछ कराना भी था मुझे, तो मैंने आज मैक्सिमम कार्डियो एक्सरसाइज कराई जो हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, और जो बेसिक है मेरी जो मैं हमेशा कराता हूँ वही है वो, एक्चुअली वो कराया।
वेलनेस वेंसडे वर्कआउट में जरूर लोगों को लेकर आए, ना सिर्फ अगर वो प्रोडक्ट भी नहीं लेते उनको वेलनेस एकेडमी के साथ जोड़े, उनको खुद एक तरीके से सिखाने की कोशिश करें, और अगर वो गेस्ट हमारा ब्रांड पार्टनर बन चुका है तो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऑनलाइन अपने मोबाइल ऑफिस में जाके वेलनेस एकेडमी ट्रेनिंग में जाकर वेलनेस एकेडमी में क्लिक करके ई लर्निंग मॉड्यूल पर जरूर क्लिक करें, जहां सेल्फ नॉलेज एंड असेसमेंट के दो मॉड्यूल्स हैं, उसे अटेंड करेंगे। तो ये सारा सेशन वेलनेस एकेडमी की तरफ से इतना कुछ आपको दिया जा रहा है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसमें लगातार मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आ ही रहा हूँ। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि प्लीज आप लोग ये जरूर शेयर करते रहिएगा। ओके, अब आते हैं बिल्डिंग अ वेलनेस बिजनेस के पार्ट वन पर। तो अभी पार्ट वन ही दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बाकी के पार्ट्स अभी तैयार नहीं हुए हैं। तो वेलनेस बाय ओरिफ्लेम का फिलॉसफी क्या है, ये लोगों को जरूर शेयर करिए। पार्ट वन में सबसे पहले आप लोगों से कैसे बताएंगे कि वेलनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, ये देखिए, ये मैं इस सेशन में तो बता रहा हूँ, बट नेक्स्ट जब बिजनेस साइड ऑफ वेलनेस पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो बहुत शॉर्ट में बात की जाएगी इन सब पॉइंट पे, क्योंकि बिजनेस जो वेलनेस की प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उसमें काफी कुछ आपको ये डीप डाइव में बताया जाता है। तो वेलनेस बाय ओरिफ्लेम की फिलॉसफी है कि हम डेली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड प्रोग्राम्स लोगों को देते रहे, जिससे कि उनको हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए हम यहाँ फोर पिलर्स ऑफ वेलनेस को प्रमोट करते हैं, वो उन तक पहुंचे। हमारे प्रोडक्ट है बेस्ड साइंस और नेचर पे, हम लोग किसी भी केमिकल या साइंटिफिक केमिकलाइजेशन का इस्तेमाल करके, जेनेटिक कंडीशन का इस्तेमाल करके, हार्मोनल कंडीशन का इस्तेमाल करके, एनिमल या इंसेक्ट का या ह्यूमन किसी भी पदार्थ का हम इस्तेमाल नहीं करते। सो आवर प्रोडक्ट आर इन नेचुरल फॉर्म एंड दैट टू विद रिसर्च बाय स्वीडिश साइंटिस्ट। हमारे वेल बैलेंस हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए एवरीडे प्रोग्राम हम कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी लेकर आते रहते हैं, जैसे मैंने आज वीकली चैलेंज में दिया है पुशअप चैलेंज, बर्पीज चैलेंज। सो 5 बर्पीज चैलेंज दिया हुआ है एंड लेट्स सी कौन करता है इसे। सो हमारा कॉन्सेप्ट वेलनेस बाय ओरिफ्लेम क्या है, अगर कोई पूछे तो हमने बताना है कि वी आर ए स्वीडिश कंपनी, ब्यूटी बाय स्वीडन को हम प्रमोट करते हैं, जैसी सुंदरता स्वीडन की है और वहाँ के नेचर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं और शेयर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्वीडन की ब्यूटी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो हमारे प्रोडक्ट भी वहीं ब्यूटी एज वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करते हैं। वेलनेस बाय ओरिफ्लेम के जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, ये ब्यूटीफुल स्किन इनसाइड आउट को प्रमोट करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए आपके लिए वेलनेस सप्लीमेंट्स हैं जो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, जिसमें कि आपका वेलनेस वेंसडे वर्कआउट है, चैलेंजेस हैं, कभी रेसिपी चैलेंज है, कुछ ना कुछ हम लेकर आते रहते हैं, और साथ साथ पर्सनल एक्सप्रेशन का मौका है, क्योंकि यहाँ पर आप बिजनेस कमाते हैं ना सिर्फ हेल्थ, तो हेल्थ के साथ वेल्थ भी कमाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास वो एक मौका होता है जहाँ आपने जो पर्सनैलिटी में चेंज किया, आपने अपने जो चीज़ें सीखी, आप लोगों को जाकर स्टेज पे बता सकते हैं कि इफ आई कैन डू इट और मैं अपनी जिंदगी में ये बदलाव या मुकाम हासिल कर सकती हूँ, तो सो एवरी वन कैन डू दैट, एनी बडी कैन डू दैट। सो बस यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को बता के उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ा सकते हैं और आगे प्रमोट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रमोट। अब अगर मैं बात करता हूँ मोर देन जस्ट अ प्रोडक्ट की, तो वेलनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पर प्रोग्राम्स एंड टूल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, साथ में वेलनेस वेव कम्युनिटी है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो इनको आप फॉलो करना मत भूलिएगा। हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, आपको पूरी एक्सपीरियंस दे रहे हैं, क्योंकि आज जमाना एक्सपीरियंस का है, सर्विसेज देना हर कंपनी का काम है, हमारा काम है आपको अनुभव अच्छा दें, एक्सपीरियंस अच्छा दें, और वेलनेस बाय ओरिफ्लेम से आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारी क्वालिटी और सेफ्टी को लेके हम बहुत सख्त हैं। अगर हम देखें तो 100+ साइंटिस्ट टीम आज काम कर रही है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को बनाने में, हमारे न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं, PhD है, न्यूट्रिशनिस्ट, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जेनेटिक बायोलॉजिस्ट, दे आर वर्किंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम of own Swedish scientist community in Sweden. So हमारी पूरी वहाँ पर डॉक्टर अकेल इंगेल, who is the professor of and the director of research and development team, वो वहाँ काम कर रहे हैं, साथ साथ हमारे पास एक ग्लोसा लाइफ साइंस सेंटर है, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव, जहाँ प्रोफेसर स्टिक्स टीम का साथ है, नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल है, चाहे वो बिलबेरीज हो स्टॉकहोम के फॉरेस्ट से आती हैं, चाहे हमारी ओमेगा 3 जो हमारी स्वीडिश सी से आपको सैल्मन और मैकरल फिशेस
जो प्योर फिश ऑयल कैप्सूल मिलता है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल हम प्रोडक्ट में नहीं करते हैं। 16 प्लस ईयर्स का प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, जहाँ सर्टिफिकेशंस की बात कही जाए तो वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशंस है कंपनी के पास। नॉन जीएमओ क्लीन लेबल, ये मींस नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी जेनेटिक कंडीशन या हार्मोनल कंडीशन या इंसेक्ट का इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट को बनाने में नहीं किया गया, जैसा मैं आपको बता रहा था। फ्रेंड ऑफ द सी सर्टिफाइड ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल, यानी प्योर फिश ऑयल कैप्सूल है, कोई केमिकलाइज कोई उसकी प्रोसेसिंग नहीं की गई है। हाई यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि 1300 क्रिटिकल सर्टिफिकेशंस को जो यूरोपियन लेवल पर होते हैं उसको क्रॉस करने के बाद फिर जीएमपी कंप्लायंट यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जहां प्रोडक्ट की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है उसकी सर्टिफिकेशन, फिर HACCP यानी हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हर लेवल पर प्रोडक्ट की टेस्टिंग जहां यह साबित किया जाए कि प्रोडक्ट में बेस्ट इन क्लास क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है और उसकी हर लेवल पर क्वालिटी एंड सेफ्टी को बरकरार रखा जा रहा है उसकी टेस्टिंग की जाती है। सो एवरीथिंग इज हेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू, फॉर गिविंग यू बेस्ट प्रोडक्ट्स। और हमारे 4 पिलर्स ऑफ वेलनेस, हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल एक्सरसाइज एंड वेलबींग आपको प्रमोट करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को। हमारा प्रोग्रेसिव की बात करें तो स्वीडिश साइंटिस्ट पार्टनर्स हमारे, जो कि हमारे नॉलेज बेस को बैक करते हैं, इग्लोसा लाइफ साइंस सेंटर हो, लुंड यूनिवर्सिटी, उपसाला यूनिवर्सिटी से हमारी स्वीडिश एडवाइजरी न्यूट्रिशनल काउंसिल हो, जो आज आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में, प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी मदद कर रही है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड मेकिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो यही बात है जो आपको लोगों को बतानी है, शेयर करनी है, एंड दैट विल वर्क अराउंड यू। और हमारे 4 पिलर्स ऑफ वेलनेस, जहाँ हमारा सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन सबसे पहले आता है, जहाँ न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं, न्यूट्रिशन के बाद आता है सेकेंड सप्लीमेंट्स, जहाँ सप्लीमेंट्स की आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश की जाती है, प्रोडक्ट दिए जाते हैं बेस्ट इन क्लास, फिर एक्सरसाइज रूटीन्स भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, हमारा 3rd पिलर ऑफ वेलनेस, एंड 4th पिलर है वेल बींग कम्युनिटी। तो हमारी वेल बींग कम्युनिटी के लिए वेलनेस वेव हम प्रमोट करते हैं आपके लिए, जहां हम एक ऐसा माहौल दे सकें जिस माहौल में रम कर आप खुद भी हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करें और उससे प्रभावित भी हो, उससे इम्पैक्ट भी हो। जब आप रोज किसी ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हैं जहां कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है या नॉलेज दी जा रही है, तो आपका खुद का ध्यान कभी हटेगा नहीं खुद की हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में। तो यही तो फोकस है और यही चीज़ हमें लोगों को बतानी है कि हम ये सब सर्विसेज आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वेलनेस बाय ओरिफ्लेम में देते हैं। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर बिजनेस की बात करूँ ना, तो वेलनेस 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स की ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स की ग्लोबली इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी है। ये 2018 का ही डेटा है, तो मैं 2019 का भी नहीं बता रहा हूँ आपको ये, क्योंकि जो मुझे ग्लोबल से मिला है रिसर्च वो आपको बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये करीबन अगर बात करें किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा। वेलनेस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, और उसके बाद जो कोविड के बाद जो लोगों की आंखें खुली हैं और लोगों ने खुद ध्यान देना शुरू कर दिया है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पे, उसके ऊपर तो मैं बात करूंगा, इसका 10 times और लगा लीजिए कि अब ये इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि वेलनेस इंडस्ट्री जो इंडिया की है वो ये साबित करती है कि लोगों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ, 2019 में 13,987 करोड़ की बड़ी है इंडिया के अंदर वेलनेस इंडस्ट्री। 12% तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ईयर्स की जो ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से 2018 की बिजनेस वर्ल्ड में। 10% ग्रोथ ऑफ डिमांड्स एंड विटामिंस पर ईयर बढ़ रही है, और ये रिसर्च में प्रूवन है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, इटिल 2019 तक का प्रूवन डेटा था। 177th रैंक है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 188 कंट्रीज के अंदर, 177th रैंक पे। यानी अगर देखा जाए तो एयर पोल्यूशन में हमारा बहुत बुरा हाल है, और इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है एज ए सप्लीमेंट इन इंडिया। 117th रैंक है हमारा आउट ऑफ 168 लेजीएस्ट कंट्रीज में, तो 136th रैंक है हमारा इसके अंदर। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एनर्जी लेवल पर काम करने की, न्यूट्रिशन पोषण पर फोकस करने की भारतीयों को बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए प्रोटीन फाइबर इन सब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है हमें, और यहाँ न्यूट्रिशेक हमारे पास उस मदद के लिए है,
ओमेगा 3 हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करने के लिए है। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको ये साबित करती हैं कि जो भी प्रोडक्ट आज आपको वेलनेस बाय ओरिफ्लेम के इंडिया के अंदर मिल रहा है वो अमंग्स द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन वर्ल्ड वाइड है और इसकी डिमांड आपकी बहुत ज्यादा है इस समय वर्ल्ड के अंदर। और ये बात मैं आपको पूरे गर्व से कह सकता हूँ कि द क्वालिटी विच वी आर गिविंग यू प्रमोट्स हेल्दी लाइफस्टाइल। वेलनेस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्दी रहने का मौका मिलता है और एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं आप और ये ट्रेंडिंग हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। ओरिफ्लेम अगर बात करता हूँ तो ग्रेट ऑफर्स लाता रहता है आपके लिए वेलनेस प्रोडक्ट्स में, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट कैटेगरी है, सबसे तेज पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई कैटेगरी बढ़ रही है ओरिफ्लेम के अंदर भी तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी ओरिफ्लेम की वेलनेस कैटेगरी है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है वेलनेस के अंदर, तो जब आप इसके अंदर काम करते हैं और इसके साथ आप बिजनेस करने की शुरुआत करते हैं तो आपके पास अर्निंग एरा या अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है आपको यहाँ पर। अर्निंग अपॉर्चुनिटी और विद वेलनेस की अगर हम बात करते हैं तो वेलनेस आपको ब्रांड पार्टनर्स के साथ, लीडर्स के साथ हायर इमीडिएट अर्निंग, लॉयल कस्टमर देता है, वेलनेस सब्सक्रिप्शन देता है, साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स फॉर बाइंग सेट्स मिलते हैं। तो ये आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है यानी क्रेडिबिलिटी को आपको लोगों के बीच में बढ़ाता है। अब इसी एग्जांपल को देख लीजिए जो मैंने अभी नया प्रिपेयर किया आपके लिए कि एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट आपको कैसे मिलता है। देखिए वेलनेस हेल्थ सेट की अगर हम बात करते हैं तो वेलनेस हेल्थ सेट का अगर रेगुलर आप एक एक करके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 70 बीपी का पड़ेगा आपको, न्यूट्रीशेक आपका 45 बीपी का पड़ेगा और ओमेगा 3 आपका 25 बीपी का पड़ेगा। तो रेगुलर बीपीस कितने मिले आपको इसमें, 70 बीपी सिर्फ, 70 बोनस पॉइंट्स मिले, राइट। पर अगर हम हेल्थ सेट की बात करें जहां आपको वेलनेस हेल्थ सेट यानी ओमेगा 3 और न्यूट्रीशेक का कॉम्बिनेशन आप एक साथ खरीदते हैं तो आपको 100 बीपी मिलते हैं और इसमें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है आपको, है ना अच्छी बात। सो आपको थोड़े फॉन्ट्स इधर उधर दिख रहे होंगे क्योंकि शायद मैंने जब पेस्ट किया है इसको नई स्लाइड बनाते उसमें तो इधर उधर हुआ होगा, बट आई थिंक पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन कि रेगुलर सेट में हमें 70 बीपी मिल रहे हैं और यहाँ हेल्थ सेट खरीदने से 100 बीपी मिल रहे हैं। तो बिजनेस में हमेशा लीडर सेट्स को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं जिससे उनके नए टाइटल्स बढ़ते हैं और आगे फास्ट ग्रोथ हो करने में मौका मिलता है। बाकी नीचे वेलनेस के हेल्थ सेट के सारे कोड्स मेंशनड हैं, चॉकलेट फ्लेवर में भी ये सेट अवेलेबल है आपके लिए। इसका कॉस्ट प्राइस 3524 रुपये पड़ता है आपको और बीपी मिल जाते हैं 100, तो ये एक बहुत अच्छी खासियत है। अब आते हैं वेलनेस के सबसे बड़े बोनेंजा की बात करूंगा ये मैं, क्योंकि ये बोनेंजा ही कह लीजिए इसको कि वेलनेस डेली वेलबींग सेट। इसका रेगुलर प्राइस 98 बीपी पड़ेगा आपको। अगर न्यूट्रीशेक ओमेगा 3 और एक्सट्रैक्ट जिंथेन एंड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स अगर आप इंडिविजुअली खरीदने जाएंगे तो न्यूट्रीशेक 45 बीपी देता है, ओमेगा 3 25 बीपी देता है और एक्सट्रैक्ट जिंथेन आपको 28 बीपी देता है। तो इन टोटल अगर इनको मिलाया जाए तो 98 बीपी का सेट बनता है, सिर्फ 98 बीपी पर। यहाँ पर आपको हेल्थ सेट जब आप खरीदते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जैसे कि नॉर्मली 20% डिस्काउंट मिलता है पर आप हेल्थ सेट लेंगे तो 25, डेली वेलबींग सेट लेंगे तो 25% मिलेगा यानी 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और साथ साथ 42 बीपी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। अप्रोक्सीमेटली अगर इसकी मैं संख्या लगाऊँ तो ये करीबन 40% के आसपास का मान लीजिए आपको बेनिफिट होता है, 40% के लगभग का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपको। तो यहाँ कैसे 42 बीपी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 140 बीपी पर सेट, कहाँ 98 कहाँ 140 बीपी, सो यहाँ 42 बीपी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको। तो बस करना क्या है ग्रोथ के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया ना कि टाइटल्स भी रीच करने में बहुत तेजी से मदद करता है, तो आपको कुछ यहाँ डेटा भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से टाइटल्स को आप जल्दी अचीव कर सकते हो। एक डेली वेलबींग सेट का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि मैंने बताया लीडर्स हमेशा जो बिजनेस में आगे बढ़ने की सोच रहा है उसे डेली वेलबींग सेट ही खरीदना चाहिए। सो एक फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट फॉर्मूला इज मी प्लस यू टू फॉर्मूला। व्हाट इज दैट मी प्लस यू टू फॉर्मूला, कि मैं भी हेल्थ सेट खरीदूँ और मैं एक हेल्थ सेट बेचूँ भी। अगर आप इस फॉर्मूला पे भी चलते हैं तो हम सिर्फ अगर
एक खरीदे और एक बेचे तो कितना हो गया, यानी 280 BP. 280 BP तो हमारे पर्सनल सेल ही हो गई, राइट. तो 280 BP का सेट आपने बेच लिया. अब मान लीजिए आपने अपने पावर लेग पर जो काम करते हैं आप, पावर लेग पर काम करना मतलब तीन व्यक्तियों के साथ काम करना, आपने उसके साथ शुरुआत करी, राइट. तो आप ऑलरेडी 3% तो आप ऑलरेडी बन चुके हैं, क्योंकि आपने एक सेट खुद खरीदा और एक सेट बेचा, राइट. तो 280 BP यानी कि 200 to 599 का मैं 3% अब बन जाते हैं. 3% में आप ऑलरेडी हैं, यानी 3% आप बन चुके हैं. अब 3% से सीधा 9% पे अगर आप जाना चाहते हैं और जल्दी फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वेलनेस एक अच्छी कैटेगरी है. जस्ट करना क्या है, मी प्लस यू टू फॉर्मूला लगाना है. और अगर आपने महीने में आप 5 लोगों तक पहुंच गए, तो 5 लोग भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, खुद खरीदेंगे और वो भी यही फॉर्मूला. आपको डुप्लीकेट करना है. ये बिजनेस मल्टीप्लीकेशन डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है, यानी डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन होती जाएगी, बिजनेस अपने आप आएगा. तो आपने खुद खरीदा, आपने एक बेचा, सिमिलरली आपके नेटवर्क में भी जो आएगा, जो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, जिनको आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देते चले जाएंगे, अगर वो खुद खरीदते हैं तो उनको रिकमेंड कीजिए कि आपको एक रेफरेंस दें, जहां आपको खुद उनसे मिलाएं, जहां आप उनसे खुद बात करें उनके रेफरेंस से, और उनको भी एक सेट जरूर प्रोवाइड कराएं. इससे क्या होगा, वो तीनों प्रोडक्ट को अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस करेंगे, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ेगी, वो लोग हमारे वेलनेस कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे. साथ साथ यहाँ पर उनका एक और बेनिफिट होने वाला है कि यहाँ कतार में लोग भी उनके आना शुरू हो जाएंगे. अगर यहाँ सिर्फ अगर 5 लोग आपके नेटवर्क में ऐसे आ जाते हैं, सपोजिंगली 3 लोग आते हैं और 3 के नीचे भी अगर आपके 2 लोग और किसी कोई लोग डेवलप कर लेते हैं सेम मंथ में, आपकी गाइडेंस से जो इनिशियल मंथ में आपके साथ स्टार्ट कर गए 2 लोग हैं, अगर उन्होंने 2 लोग और कर लिए, तो यकीन मानिए आप सीधा 9% मैनेजर लेवल पर अचीव कर जाएंगे. और यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपके आगे मैनेजर लेवल की. तो बस आगे आप मैनेजर लेवल को शुरुआत कर लेंगे, 9% जैसे ही क्रॉस करेंगे आपकी एक सीढ़ी बहुत तेजी से क्रॉस होगी, एंड यू विल बी एबल टू अचीव ग्रेटर परफॉर्मेंस डिस्काउंट्स. और यहाँ टाइटल आप डायरेक्टर यानी कि 22% लेवल को पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको. सो दैट्स हाउ आप 12% मैनेजर 2400 BP, फिर 15% मैनेजर 4000 BP, एंड 22% सीनियर मैनेजर से आप 10,000 BP पर पहुंच जाएंगे. सो देखा जाए तो अगर कितने सेट्स बेचने पड़ेंगे या हमें मी प्लस यू टू फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो बस अगर आप खुद खरीदें और बेचें, अगर इस फॉर्मूले से भी जाते हैं, राइट, एक खुद खरीदें और एक बेचें, अगर इस फॉर्मूले को ही आप अपनी टीम में भी सिखाते हैं, तो हर महीने मैं आपको बताना चाहूँगा 18 डेली वेलबींग सेट्स अगर आपके ग्रुप से बिकते हैं, तो 12% मैनेजर्स आपके निकलते आएंगे आपके आपके ग्रुप में भी, अगर वो ये काम डुप्लीकेट करते हैं. अगर वो 29 डेली वेलबींग सेट्स निकाल देते हैं, तो 15% मैनेजर्स आपके ग्रुप में बढ़ते चले जाएंगे. और आपके पर्सनल बात करूं तो आप इस तरीके से 72 डेली वेलबिंग सेट बेचने के बाद 22% मैनेजर लेवल पर आ सकते हैं. एंड 72 डेली वेलबिंग सेट यानी कि आपका करीबन 35 से 36 लोगों के पास पहुंचना, 35-36 लोगों के पास पहुंचना और उन्हें डेली वेलबिंग सेट रिकमेंड करना. आपकी सिटी में आपको सिर्फ ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी भी सोशल नेटवर्किंग के थ्रू या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के रेफरेंस के थ्रू आपको सिर्फ 36 लोग ही ढूंढने हैं, राइट. और अगर आपने ये 36 लोग ढूंढ लिए, तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी बहुत बड़ी अचीवमेंट इस बिजनेस के अंदर हासिल करने वाले हैं, जस्ट बाय डेली वेलबींग सेट जो कि 140 BP आपको देता है. और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपके रिक्रूटमेंट टूल जो आपके हैं, आपके बेस्ट आपकी अचीवमेंट में भी आपकी हेल्प करते जाएंगे. अगर हम बात करें खासियत की, वेलनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की खासियत की, तो मैंने जैसे आपको बताया था खासियतें बहुत हैं, तो ये आपको ट्रेंड्स में ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ. तो सबसे बड़ी वाई वेलनेस कैटेगरी में काम करना चाहिए, डाइटरी सप्लीमेंट मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है. 2019 के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया, जहां 771 करोड़ की सिर्फ सेल थी 2019 में, ये डबल ट्रिपल होती चली जा रही है.
अगर मैं बताऊं 771 करोड़ की सेल पे 75% ग्रोथ उससे अगले ईयर हुई है, 75% ग्रोथ। तो मतलब जो ग्रोथ हमने 2018 से 2019 में की उसके ऊपर भी 2019 से 2020 में हमने 75% ग्रोथ की। सो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर मिनिमम भी देखें हम इंडस्ट्री का तो 8% है 2019 से 2024 तक जो एस्टिमेट किया गया था, बट ये 8% नहीं है, इट इज वे हायर देन दैट। और उसके ऊपर स्ट्रॉन्गर पोजीशन है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो सोशल सेलिंग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है, हम सोशल सेलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वो इस बिजनेस को और बेस दे रहा है और मजबूत कर रहा है, क्योंकि अब लोगों को घर घर नहीं जाना पड़ेगा, अब लोग घर से ही अपने ऑनलाइन वर्चुअल सिस्टम पे बैठ के ही लोगों से मुलाकात भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं और अपना बिजनेस प्रमोट और सेलिंग भी करते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है ओरिफ्लेम वर्ल्ड, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है ओरिफ्लेम का और सक्सेस फॉर श्योर है आपकी, क्योंकि सबसे बड़ी कैटेगरी है सेल्स में बात की जाए तो 70% ग्रोथ इन सेल्स देखा जाए तो पिछले साल रही, पिछले से पिछले साल रही, और जैसा मैंने आपको बताया 75% ग्रोथ रेट लास्ट ईयर्स रही, विच इज वेरी बिग। सेल्स में बात की जाए तो सेल्स कहाँ से आती है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स से और ऑर्डर वैल्यू से। तो आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स और ऑर्डर वैल्यू दोनों कहाँ से आती है, दोनों आती है जब आपके पास कस्टमर बेस अच्छा हो। और कस्टमर बेस कैसे आता है, वेलनेस एक ऐसा कैटेगरी है जो मेल या फीमेल या बड़ों बूढ़ों के लिए या बच्चों के लिए ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है जो 12 साल या 12 साल से ऊपर है इसमें। और हमारा ओमेगा 3 तो किसी भी एज में दिया जा सकता है अगर वो कैप्सूल को निगल सकते हैं, गल्प कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट, और हमारे बहुत सारे फायदे हैं इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के। अगर हम फ्रेग्रेंस की बात करें, खासियत में अगर बात करें, तो अगर हम रीपरचेज साइकिल देखा जाए प्रोडक्ट का, फ्रेग्रेंस 4 महीने में एक बार बिकता है, काजल 2 महीने में एक बार बिकता है, फेस क्रीम 3 महीने में एक बार बिकता है, पर वेलनेस आपका हर महीने सेल होता है। तो वेलनेस प्रोडक्ट के जो वेलनेस की सेल है वो बहुत तेज़ी से आपको आगे लेकर जाएगी और गारंटीड बिजनेस देने का वायदा करती है। सो दैट्स हाउ आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास जैसे मैंने बताया 5% एक्स्ट्रा इमीडिएट प्रॉफिट, 30 BP एक्स्ट्रा, और दोनों ही सेट्स आपको खास USP लेकर आते हैं। 100 BP के लिए अगर देख लिया जाए तो सिर्फ ओमेगा 3 और न्यूट्रिशेक के लिए कितना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है जितना आपको कलर और कॉस्मेटिक और स्किन केयर में करना पड़ता था। पर अगर यहाँ देखा जाए तो आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी में काम कर रहे हैं आप, तो दोनों ही आप अगर स्किन केयर कलर कॉस्मेटिक्स में, जहाँ पर आपको ग्रेट ट्रेनर्स है हमारे गुंजन साई और साथ में मोनिका भट्ट जो आपको ग्रेट नॉलेज देते हैं, जहाँ से आपके फेवरेट खुद की कॉस्मेटिक और स्किन केयर कलर केयर प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, उसके साथ अगर आप अपनी वेलनेस कैटेगरी में भी काम करना शुरू कर देते हैं तो इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, यानी कि देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन द बंच ऑफ पॉसिबिलिटीज यू विल गेट फ्रॉम दिस बिजनेस। और आप पॉकेट सेविंग भी कर रहे हैं, 1500 रुपये की बचत, राइट, और 100 BP का ऑर्डर दोनों ही मिल जा रहे हैं। हाई BP ऑर्डर, नंबर ऑफ लॉयल कस्टमर आगे बढ़ रहा है, तो आपकी कार्ट वैल्यू बढ़ रही है, और जो आपको मैंने अभी चार्ट पहले दिखाया था, आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो बस ये चार पॉइंट्स हमेशा याद रखिए, राइट प्लेस है, राइट टाइम है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, 5% एक्स्ट्रा इमीडिएट प्रॉफिट है, 30 BP एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, हाई BP वैल्यू ऑर्डर है, और टाइटल्स को पहुँचने में मदद मिलती है। काम करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी वेलनेस में काम करने के तरीके की बात की जाती है तो हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट स्टेप आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, बिना इस्तेमाल करे बेचने की कोशिश नहीं करनी। सेकंड स्टेप आपको स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनी बनाना है, शेयर करना है इसे। थर्ड स्टेप है अपने क्लाइंट को, कस्टमर को प्रोडक्ट चूज करने में हेल्प करना है, ऑर्डर लेना है, एंड फोर्थ स्टेप फॉलोअप सपोर्ट और मोटिवेट करना है टीम को, और इसी के साथ आप बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, दिस इज हाउ इट इज़ वेरी ग्रेट पॉसिबिलिटी फॉर यू ऑल, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे आप अचीव कर सकते हैं, और आपके बिजनेस में काफ़ी आपकी हेल्प हो सकती है। सो जस्ट यही चीज़ें हैं जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए। वन वेलनेस लर्निंग प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल हेल्प यू अ लॉट इन मैनी वेज, तो आप बस जितनी कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके जहाँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं। वेलनेस पैन इंडिया डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एक्सरसाइज रूटीन्स हैं, जहाँ मैंने आपको बताया ई लर्निंग मॉड्यूल्स, तो ई लर्निंग मॉड्यूल्स हैं,
वेलनेस मेव इंडिया कम्युनिटी है, और क्या चाहिए, और ये चाहिए कि बस आप इसको प्रमोट करते रहें, लोगों को बताते रहें, शेयर करते रहें, आपका बिजनेस बढ़ेगा, राइट? सो दैट्स हाउ यू कैन प्रमोट इट, दैट्स हाउ यू कैन शेयर इट विद पीपल, एंड आप लोगों को बता सकते हैं. सो यही है हमारी तरफ से आपके लिए एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले आपको. वेलबींग कम्युनिटी वेलनेस वेव इंडिया योगेश के नाम से है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिस जो आपको इस लोगो से मिलेगी देखने को. तो इसको ज़रूर देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, आइए और हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनिए, जहां हम वेलनेस बाय ओरिफ्लेम में सेलिब्रेट करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल चारों पिलर्स से. सो फोर पिलर्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, जहां न्यूट्रिशन पोषण की जानकारी फ्राइडे को दी जाती है, साथ साथ आपके एक्सरसाइज रूटीन जो आपके लिए है हर वेंसडे को, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जानकारी मिलती है हर मंडे को, और साथ साथ वेलनेस वेव कम्युनिटी हमारा फोर्थ पिलर आपको मिल ही रहा है. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. कहूँगा यही कि सेलिब्रेशन टाइम है, बिजनेस बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, और साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है आपके लिए वेलनेस में. तो वेलनेस एक सही मौका है जिसे आपको इनकैश करना ही चाहिए. सो आई होप यू ऑल अग्री टू दिस पॉइंट, और हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में भी.